करण, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। ये दो सूट हैं, प्रमोशन खातर आ रहे हैं, एक मेरी बेटी का एक मेरा। इन सूटों की पूरी डिटेल Instagram पर मिल जाएगी। यो कमीज का कपड़ा है, 2.5 मीटर है पूरा, और 2.5 मीटर है बॉटम का है, या बॉटम है। और यो दुपट्टा न्यू है, यो है या बॉटम है इसकी। और यो कमीज, यो दुपट्टा, ये कर लूँ मैं इसकी कटिंग, इसने रखूँ एक साइड। यू सूट बनाऊँगी मैं मेरा, और यो मेरी बेटी का। कुर्ती की लंबाई है 32 इंच, तीरा 14 इंच, छत्ती 36 इंच, कमर 32, हिप 40। हिप की तो जरूरत को नहीं पड़ा, ये कलियाड़ा बनाऊँगी मैं। बाजू 20 इंच, इसके अकॉर्डिंग करूँगी मैं इसकी कुर्ती की कटिंग। ये करूँगी मैं अपर की कटिंग। ये डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया, ये चौड़ाई कपड़ है, ये लंबाई कपड़, एक फोल्ड और करूँगी, ये 4 फोल्ड हो गया। सबसे पहले करूँगी अपर की कटिंग। तीरा है 14 इंच, 14 इंच का आधा हो गया 7 इंच, 7 इंच पे निशान लगा दिया। आर्म होल का निशान लगाऊंगी 1/2 इंच, तीरा तो बढ़ा के ना, ये 7.5 इंच पे निशान लगा दिया। छत्ती है 36 इंच, 36 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच, ये 9 इंच पर निशान लगा दिया। 1.5 इंच का मार्जिन का बच गया, यू पूरा पूरा 1.5 इंच पे यू आ गया मार्जिन का। और अपर की लंबाई रखूंगी मैं 14 इंच, तैयार तो लेंगी 15 इंच, ये 15 इंच पर निशान लगा दिया। 1/2 इंच ऐड नीचे चला जाओगा सिलाई में, 1/2 इंच ऊपर, तो 14 इंच की तैयार बच जाएगी। ये 15 इंच पर ऐड निशान लगा दिया, और यो सीधा मिला दूंगी। कमर है 32 इंच, 32 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 8 इंच, 8 इंच पर निशान लगा दिया। 1 इंच की डॉट्स लूँगी, 1 इंच पर निशान लगा दिया ये डॉट्स खातर, और 1.5 इंच बच गया मार्जिन का, ये पूरा पूरा ही बच गया। यो निशान हो गया फिटिंग का, और ये ऊपर तक लूँगी डॉट्स खातर। 10.5 इंच पर निशान लगाऊँगी, 10.5 इंच पर निशान लगा दिया, और पूरा तक लगाऊँगी 4 इंच पर नीचे तभी। और ये 4 इंच पर निशान लगाया है, 1/2 इंच उरली साइड और 1/2 इंच उरली साइड पे निशान लगाऊंगी, और इन्हें सीधा मिला दूंगी। ये बीच वाला सीधा मिला दूंगी, और ये 1/2 इंच पर लगाया था ये तिरछे मिला दूंगी। ये हो गए डॉट्स के निशान। 1/2 इंच निशान उरा लगाऊंगी, इस तरह साइड को नहीं गिरेंगी, और इसने यूँ तिरछा ऐड मिला दूंगी। और ये आर्म होल की मार्किंग करूँगी, 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाऊंगी, और इसने यो है 7.5 इंच, इसका 1/2 पर मिला दूंगी, और इस पर आर्म होल की अगले हिस्से की गोलाई देंगी। ये होगी अगले हिस्से की गोलाई, और 1/2 इंच बाहर की साइड लेके ना ये पिछले हिस्से की गोलाई दे दी आर्म होल की। और गले की कटिंग करूँगी बाद में, बुकरम का गला बनाऊंगी गला। ये कर दो इस पता है कटिंग, और ये ऐड कट लगा दूंगी पिछाड़ी साइड भी, चले जाओगे यू कट। और यो हाथ यो उंगली रखूंगी, और उतली साइड भी निशान लगा दूंगी। ये डॉट्स तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आओगी कुर्ती की। पिछला हिस्सा काटूंगी, अगला हिस्से की भी कटिंग कर दूंगी आर्म होल की। ये होगी कुर्ती की अपर की कटिंग। ये अपर की कटिंग कर ली, बनाऊंगी मैं बाजू, बाजू बनाऊंगी मैं। 25 इंच कपड़ा काटूंगी, 2 इंच नीचे मुड़ जाएगी, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में चला जाऊंगा, तो 22.5 की बन जाएगी। ये 25 इंच में निशान लगा दिया, ये 25 इंच कपड़ा बाजुआ खेतर काट लूँ। और जो यू बाकी कपड़ा बचा है इसमत है कली काटूंगी, पहले कर लूँ बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग करूँगी मैं यूँ तिरछे बड़ में, इस तरह फिटिंग बहुत ही अच्छी आओगी। ये तो यू हो वह सीधी, इसका यू मार्क कर लेंगे, और मैं करूँगी ये उरेब में, ये उरेब में रख ली। मोरी रखूँगी 4.5 इंच की, और लेंगी मैं यो 5.5 इंच ले लिया, 1.5 इंच मार्जिन का हो गया। 25 इंच लंबाई है, 2.5 इंच सिलाई में चला जाओगा तो 22.5 इंच की तैयार बच जाएगी। इस नई में
यूं मिलाऊंगी, नू करूंगी तो ये ऊपर तक चढ़ जाएगा थोड़ा है, यूं तिरछा करूंगी, ये इसने यूं कर दूंगी। इसकी नू सीधी कटिंग नहीं करनी है, यूं करनी है, उरली साइड तो पुराना होना चाहिए कपड़ा। आरमोल के हिसाब से ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी। इस साइड तो है 9.5 इंच, इतना मार्जिन में बच जाएगा। इसका निशान लगाऊंगी नू सीधा, आरमोल का निशान लगाऊंगी, इसका जितना भी यू एड़ तक है यो, इस पर इतना निशान लगाऊंगी, इसने यू गोड़ाई में दे दूंगी। और यो आगे की साइड बच गया, यो कटिंग नू की नू बच गई, इस पर तई कटिंग कर दूंगी। और यो दो पल्ले ठाऊंगी, ये इसकी भी अगले भाग की भी कटिंग कर दूंगी, आरमोल की ये बाजू का आरमोल की अगले भाग की कटिंग कर दी, ये होगी बाजू की कटिंग। अपर की बाजू की होगी कटिंग, ये करूंगी इसमें तय कलियां की कटिंग। यो लंबाई का बड़ है और यो चौड़ाई का बड़, ये डबल फोल्ड में बिछा लिया, ये भी इसमें तय कली काटूंगी। कमर है 32 इंच, 32 इंच के हिसाब से काटूंगी। नीचे तक घेरा पता करूंगी 10 इंच और कमर की तरफ तक करूंगी 2 इंच, तो इसमें तय निकलेंगी 18 कली, 18 × 36, 36 इंच हो जाएगा। 32 इंच कमर है, 4 इंच बच जाएगा, वो मार्जिन बच ले जाऊंगा कलिया में सिलाई में, उस हिसाब से इसकी मार्किंग करूंगी। ये कलिया का निशान लगाऊंगी 10 इंच पर, ये 10 इंच पर निशान लगा दिया। और ऊपर तक कमर की तरफ तक लगाऊंगी 2 इंच पर, ये 2 इंच पर निशान लगा दिया। और नीचे तक 10 इंच पर घेरा की तरफ तक। यो पूरा पूरा आया है, पूरा तो 1.5 इंच कम रहा है, 10 की बजाय 9.5 इंच पर आया है। कोई नहीं, इतनी तो चले जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी 1.5 इंच तो। ये उरली साइड लगा लिए निशान 10 इंच पर और 2 इंच पर। इब नुनाली साइड लगाऊंगी, उस साइड मार्किंग कर ली, उरली साइड 10 इंच पर निशान लगाया था, तो यो 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। पहले ये 10 इंच पर निशान लगा दिया और 10 का आधा हो गया 5 इंच, ये 5 इंच पर निशान लगा दिया। 5 इंच तक जो ये 5 इंच का निशान है, 1 इंच इस साइड लगाऊंगी निशान और 1 इंच इस साइड, ये 2 इंच पर निशान लगा दिया। ये कमर की तरफ का निशान लग गया, इस साइड घेरा की तरफ था, इस साइड कमर की तरफ हो गया, ये 2 इंच का निशान लगा दिया। 10 इंच लेकिन 10 का आधा कर लिया, 1 इंच लगा दिया तो 2 इंच पर निशान लग गया। ये भी इस 2 इंच का निशान पता है, आगे लगाऊंगी 10 इंच पर। नू लाया है, यह तिरछी कटेगी, ये भी है तिरछी कटेगी, ये उरा तो उरा कटेगी और इस खूना पता है, इस खूना पर यूं इतना कपड़ा निकलेगा इसमें तय। और ये न्यू एलान दी जाऊंगी 10 इंच पर और 2 इंच पर। जो ये 2 इंच का निशान लगा रखा है, ये 10 इंच लेकिन 5 कर दिया था, 10 इंच का 1 इंच इस साइड लगा दिया था, 5 इंच तय 1 इंच इस साइड, ये इस निशान पर तय इस कोने पर मिला दूंगी। यो जाओगा वेस्ट का कपड़ा और इसकी बन जाएगी बस कली, इस निशान पर तय इस निशान पर लगा दूंगी। ये 10 इंच ले रखी नीचे तक कली, ऊपर तय 2 इंच बेल्ट की तरफ तय, इन नई बस तिरछे निशान मिला दी जाऊंगी। ये होगी कलियां की कटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 कली हैं, 18 कली होगी। ये एड दबंद साइड है, इनकी भी कटिंग कर दो। ये चौड़ाई का बड़ में फोल्ड कर दिया था, ये सारियां की इनकी भी कटिंग कर दो। ये देखो कलियां की कटिंग होगी, ये डबल डबल में है, इतनी और हो जाएगा घेरा इसका। ये भी इनका नू की नुआ का सिलाई लगा दूँ, जिस तरह ये डबल डबल हैं इनका डबल डबल का सिलाई लगा के ना, और इन आपस में जोड़ दूँ। पहले डबल डबल का लगा दूंगी और फिर इन नू जोड़ दूंगी, सारी कलिया ना जोड़ दूँ। पहले कटिंग होगी कंप्लीट सूट की, कर लो इसकी स्टिचिंग। इतना घेर आ गया एकदम, तो चुगरदा दमन की तरह हो गया थोड़ा सा कपड़ा में भी। ये 10 इंच तड़ा तक काटी थी, 2 इंच ऊपर था मैंने मेरी कमर के हिसाब से, अगर मार्जिन रखना चाहो तो 2.25 इंच की काट सको ये ऊपर तक कली, मैंने 2 इंच की काटी है और थोड़ा थोड़ा सिलाई में लिया, आधा आधा इंच तक भी कम।
इस करके ना मेरी पूरी 32 इंच की कमर का हिसाब तो रहेगी एड तय। मर्जन रखना चाहो तो 2.25 इंच की लेस को ऊपर तय। ये नीचा का अस्तर को लगाऊँ, इसका चोली चोली का लगाया अस्तर, अगला भाग का भी और पछला भाग का भी। ये चोली का भाग है, यो काट लिया पिछला गला 8.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा, और इसका यह लगा दूंगी उरेब में, काट दिया पट्टी, इसने यूँ रखूँगी और इसका सिलाई लगा दूंगी। और इसका यो अगला भाग है, इसने बीच सेंटर में रखूँगी और इसने पहले पिनअप कर लूँगी, पिनअप करके ना आसानी होगी यह लगाना मैं और यह सिलाई लगा लूँगी। ये बीच सेंटर में पिनअप कर लिया एकदम तय, नूने नूना ही लाको निगाइ कुकरे कर लो चाहे इसने उल्ट लो पुलट लो, ये भी इसका सिलाई लगा दूंगी दोरे दोरे, बीच में लगा दिया यू एकदम फीटा होगा, और इसका भी सिलाई लगा ली। दोनों पाटा का गले लगा लिए, ये भी इसका छोटे छोटे कट लगा दूंगी, ये आसानी होगी मुड़ने में, एकदम फिनिशिंग गला मुड़ जाएगा और यू एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूंगी। और इसका थोड़ा थोड़ा इतना इतना रखूंगी कपड़ा, और इसने गले की भी अंदर तक कटिंग कर दूंगी, और इसका भी छोटे छोटे कट लगाऊंगी और ये पिन निकाल दूंगी और अंदर की साइड मोड़ दूंगी। और यह सिलाई मारने तो पहले कंधे जोड़ूंगी, इसने यूँ रखूंगी, इस पिछला भाग ने इस अगला भाग के ऊपर रख के ना इसने यूँ पट्टी ना मोड़ूंगी, ये यूँ मोड़ दूंगी इसने, और ऐडा रखूंगी इस सिलाई पर जो ये गले की पट्टी लगा रखी है, सिलाई पर रख के ना अरे इसने न्यू मोड़ के ना इस पर सिलाई लगा दूंगी, न्यू इस साइड लगा दूंगी। ये भी है डॉट्स डाल लूँ, ये डॉट्स के निशान लगा रखे हैं, ये यूँ पकड़ूंगी और सिलाई लगा दूंगी, और फिटिंग का निशान लगा दिया, ये फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड। ये डॉट्स डाल ली अगला हिस्सा में भी और पिछला हिस्सा में भी, अरे यह साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दी। ये भी लगाऊंगी योगेरा, योगेरा तैयार कर रखा है, यू चारों तरफ तक सीम रखा है, इसने यो सीधा है, इसने यूँ इसके अंदर यूँ डाल लूँगी तो यो अंदर की साइड दोनों सीधे हैं, बाहर की साइड यो भी बाहर की साइड उल्टा है और यो भी बाहर की साइड उल्टा है, इसका ये सिलाई लगा दूँगी चुगर दें जिस तरह बाजू का लगा करा, बाजू चढ़ा करा नुए चढ़ा दूँगी इसने, इसने यूँ अड़ता है यूँ मोड़ूंगी और अड़ता है सिलाई स्टार्ट कर दूँगी। इन्हें एक साइड करूंगी, इन प्लेटा ने ये जो ज्वाइंट कर रखे हैं इनका मुंह एक साइड कर दूंगी। ये जोड़ लिया चुगर द सिलाई लगा ली, ये भी इसने सीधा करूंगी, ये देखो ये मर्जन को नहीं रखे मैंने, नीचा वाला कपड़ा में ऊपर ऊपर वाला में है 1-1 इंच का, और ये रहेगी इसका बाजू लानी और नीचा तो मुड़ना, और ये गड़क है कच्ची सिलाई लगाना। ये बाजू तैयार कर ली, आगे तो मोड़ ली, ये भी इसने यूँ सीधी करूँगी और दोनों बाजुआ ने अटैच कर दूंगी, ये नू डाल लूँगी इसका मैं, और इसका चुगर दा सिलाई लगा दूंगी, ये और सिलाई लगा लियो दोनों बाजू लगा लियो। और यह दूसरा सूट भी गला ही तैयार कर लिया, इसका भी बाजू बाजू लानी रह रही है, सेम स्टाइल तय कटिंग करी है, सेम स्टाइल तय स्टिचिंग करी है इसकी, इसका बाजू लानी रहेगी, इसके बाजू लानी रहेगी, दोनों का बाजू और लगा लियो। कमीज का घेरा का इस पिंक कपड़ा में तय पट्टी निकाल के ना वह नीचे लगाऊंगी, ये ले लिया कपड़ा, इसमें तो उरेब पट्टी काटूंगी, ये पहले भी काट रखी है उरेब में, ये देखो ये तिरछा में, ये तिरछा में तो 5-5 इंच की पट्टी तैर लूंगी, ये लंबाई में ये 2-3 पट्टी उतरेंगी, ये तैर लूँ, ये पट्टी तैर ली 5-5 इंच की, ये भी इसने फोल्ड करके ना ये किनारी पर रखूंगी। यह पट्टी उरेब में काटी थी, यह डबल कर ली, और यो घेरा है इसका घेरा का अटैच कर दूंगी, यू सीधा पासा है उल्टा पासा मुड़ेगी, ये चुगरदा न्यूए लगा दूंगी, इसने चुगरदा लगा लिया पट्टी, ये भी इसने ऐड तय धागा काटूंगी और इसका जोड़ ला लूंगी, ये ऐड ज्वाइंट कर लूँ इसने, यह डबल पट्टी चारों तरफ लगा दी, चुगरदा लगा दी घेरा का, और ये भी इसने फोल्ड कर दूंगी, यू ऐड जोड़ ला दिया, ये भी इसने यूँ फोल्ड करूंगी और इसका सिलाई लगा दूंगी। या उरेब में काटी थी पट्टी, इस तरह चुन्नट चन्नट कुछ को नहीं आवा, एकदम प्लेन आवेगी, ये भी इसने यूँ रखूँगी, ना मोड़नी ना और सीधी सिलाई लगा दूंगी, ये चुगर दे न्यूए लगा दूंगी सिलाई, इसने एक सार करूँगी,
थोड़ी बहुत चुन्नट आओगी तो हल्की फुल्की यूं डाल दी जाऊंगी साथ में ही। एकदम कितनी फिनिशिंग का गला लग गया है। ये लगा ली, इसका घेरक है 2 या 2.5 इंच की पट्टी, कितनी सुंदर आई है। थोड़ी थोड़ी चुन्नट तो आई है, ये देखो हल्की हल्की तो चुन्नट डालनी ही पड़ेगी। कितनी फिनिशिंग का गला बनी है और यह कुर्ती होगी तैयार। यह कुर्ती बनाई है 2.5 मीटर कपड़ा में, 2.5 मीटर कपड़ा में 18 कलियाँ की कुर्ती बन गई है। 18 कलियाँ की ऊंची बनी है, नीची बनाओगे तो बना पड़ेगी, कम कली करनी पड़ेगी। फिर यह बनी है 33 इंच की तैयार, 33 इंच की तैयार बनी है। देखो भाई कितनी सुंदर हुई, कितना घेरा गया इसका। ये देखो एक पास का यू है, इतना ही पीछे का, इतना ही आगे का, और चौरस गला बनाया अगत है और गोल पाछत है और फुल लंबी बाजू बनाई है जमा। यह डोरी लटकन ला दिए। या कुर्ती होगी या इसकी बॉटम होगी सलवार, या बिना तख्तिया की बनाई है सलवार। और यह दुपट्टा, दुपट्टा थोड़ा छोटा पड़ा था, 2.25 मीटर का था, 0.5 मीटर मैंने यूँ ला लिया। 5 इंच उरन 5 इंच उरन 10 इंच की ये चढ़ैली और इसका ये गोटा ला दिया, ये 5-5 लाइन और इसके कूने पर ला दिए फूल। ये 2 ड्रेस बनाई है मैंने, एक या और एक या, सेम कटिंग स्टिचिंग है इनकी दोनों की, सेम तरीके से बनाई है जमा एकदम। इसका यू लाइट पिंक लगा दिया, इसका डार्क पिंक लगा दिया। और इसकी यह बॉटम है, अनु ये दुपट्टा बनाया है, यू भी 2.5 मीटर का बनाया दिया, 2.25 मीटर का था, सेम नुए लाके ना। ये हो गए तैयार। ये गर्मी के सूट मंगाने हो तो गर्मी का खजाना है जमा, गर्मी में मजा सा आ जाएगा पैर के ना। ये सूट मंगाने हो तो मैं इंस्टाग्राम पर आईडी मेंशन कर दूंगी इनकी, आप मंगा सको हुई से सेम सूट।